हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत बार हमने अपनी लाइफ में बहुत लोगों से ये वर्ड सुना है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है और हम अपनी लाइफ में इसको कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आती है पूरा देखने के बाद में वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी इससे रिलेट कर पाते हो तो उसको शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चाहे चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो ज़रूर करें ना, क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स के ज़रिए हम वहाँ पर आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे करके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट। व्हाट इज़ ए कंसिस्टेंसी? एक्चुअल में ये जो वर्ड है ना, ये हमने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिना कंसिस्टेंसी के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में ये बात बिल्कुल सही है। देखो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे आपका स्टडी का फील्ड हो, यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं या वुमेन हैं, और इसके अलावा चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक यूट्यूबर हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट। क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में। अब एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि लगातार उस काम को बिना गिव अप के करते रहना। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, या फिर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो उस फील्ड में आप कंसिस्टेंसी मतलब एक साथ लगातार होकर के आप अपना काम कैसे कर पाएंगे बिना गिव अप के? तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होती है उस काम को करने की। क्योंकि अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, फिर आप उस काम को सिर्फ 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद कॉन्फिडेंस डाउन होते ही फिर आप किसी और डिपार्टमेंट की तरफ चलेंगे, फिर आप किसी और जोन में चले जाएंगे, है ना। किसी भी काम को एक सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए उसमें समय देना होता है। समय का मतलब आप जो भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप उसमें अपना समय नहीं दे पा रहे हो, आप उसमें अपना जो टाइम है ना वो स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे आगे डेवलप नहीं कर सकते। आप उसे एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, मैक्सिमम 1 महीना करेंगे, उसके बाद उसे गिव अप कर देंगे कि यार यहाँ से तो काम नहीं हो पा रहा है, कहीं और कर दें। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जोन क्रिएट कर लेते हो आपने, और अपने अंदर की जो स्किल होती है, एक्चुअल में जो आपके अंदर स्किल होती है, वो कहीं ना कहीं फ्यूज़ हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने पहले स्किल देखो कि आप किस फील्ड में कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक BA, BCom या BSc करने वाला बच्चा टेक्नोलॉजी नहीं जानता या टेक्नीशियन का काम नहीं जानता। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो BA, BCom, BSc करते हैं, MA करते हैं, यानी कि नॉर्मल आर्ट साइड से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, बट वो टेक्नोलॉजी की मतलब जो टेक्नीशियन होता है ना, जो मतलब जैसे कोई भी गाड़ी खोलना या उसको सही तरीके से मतलब जो उसके अंदर कोई भी कमी होती है वो एकदम से ठीक कर देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट मैंने बहुत बहुत देखे हैं। तो अपनी उस स्किल को देखो कि आप किस फील्ड में कितना बेहतर कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड अपनी स्टडी स्टार्ट करो। एंड छोटे छोटे बहुत सारे डिप्लोमा होता है वो कर सकते हो, आप कहीं भी वर्कशॉप पर जा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और उस बेस पर अपना कुछ ओपन कर सकते हो, अपना छोटा सा कोई भी ऐसा वर्कशॉप खोल सकते हो। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर पहुंचा देती है। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि उस काम पर हमें अपना जो टाइम होता है ना वो देना पड़ता है। तो 1 या 2 महीने नहीं कि भाई आपने स्टार्ट किया और आपका 1 या 2 महीने में आप सक्सेसफुल हो जाओ, या फिर रातों रात आप बिल्कुल करोड़पति हो जाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप अपने वर्क पर, अपने स्किल पर टाइम दोगे तो वो स्किल बहुत ज़्यादा आगे मतलब निखर जाती है, है ना। आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। आपको अपने काम के प्रति ना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो फिर कोई भी अदर पर्सन आकर के आपको बोल सकता है यार ये भी कुछ काम है, ये क्या कर रहा है, यहाँ तो बहुत कम इनकम है, और उस फील्ड में जाओ वहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन तो आप अपनी जब स्किल के अकॉर्डिंग काम करते हो तो वो काम आपको पसंद होता है, उसमें आप मेहनत कर सकते हो, है ना, उसमें आप रात दिन लग सकते हो, आपको थकान नहीं होगी उसमें काम करते हो, उससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। तो इस तरीके से अब जब हम अपने स्किल पर काम करते हैं, एक कंसिस्टेंसी उस वर्क में रखते हैं, तो एक समय बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है और फीडबैक बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने इसे रिलेट भी किया होगा।
तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।